दिल्ली में जो डेथ हो रही है कि आप लोग, क्योंकि हॉस्पिटल के जो डेटा है वो तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप भेज ही रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो डेथ के केसेज हो रहे हैं उनमें कोई मैंने अभी ओमिक्रॉन अभी का? यही बताया कि जो कल अभी तक जितनी डेथ दिल्ली में हुई है उसमें से ओमिक्रॉन की एक भी डेथ कंफर्म नहीं हुई है। Are we looking at a lockdown, sir? Because a lot of people on the ground, everybody, every day is asking that one question. मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो, पिछली वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज़ आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका पाँचवा हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6,000-7,000-8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लेस, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंक्वेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में। और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए दे आर सफिशिएंट। लेकिन जो संख्या बढ़ी है लोगों के मन में कहीं ना कहीं से डर उपज रहा है, क्योंकि जो पूरे भारत में जो केसेज आए, 90,000 से ज़्यादा केस आए एक दिन में, दिल्ली में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। देखो, दिल्ली के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 के टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। और टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई आपको पता लग गया आप पॉजिटिव है, अपने घर में रहिएगा 7 दिन। 7 दिन घर में रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात, औरों को नहीं फैलाएंगे।